रखूँगे। आज हमारे चैनल की पहली वीडियो अपलोड होने वाली है, तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ रही हो मेरी, और ये सिलसिला आगे भी चले। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है डिस्कोर्स एनालिसिस। डिस्कोर्स एनालिसिस में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि डिस्कोर्स एनालिसिस होता क्या है, उसका एक प्रॉपर मॉडल जो हम अप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद हम एक प्रॉपर किस्म का एनालिसिस करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि यार एक चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करते हैं। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्हाट इज़ डिस्कोर्स एनालिसिस। अब डिस्कोर्स एनालिसिस होता क्या है, अगर हम इस लफ्ज़ को देखें डिस्कोर्स एनालिसिस, मतलब किसी भी डिस्कोर्स का एनालिसिस, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्कोर्स क्या होता है। डिस्कोर्स असल में बातचीत को कहते हैं, किसी भी शख्स की बात, या वैसे डिस्कोर्स 101 भी होता है कि एक बंदा बोल रहा है, जैसे लेक्चर, किसी भी प्रोफेसर का, किसी भी टीचर का लेक्चर हो गया या कोई स्पीच हो गई, ये सिर्फ स्पीकर बोलता है, बाकी लिसनर्स होते हैं। लेकिन डिस्कोर्स डायलॉग की फॉर्म में भी होते हैं कि एक बंदा बोल रहा है, फिर उसके बाद टर्न टेकिंग आती है, फिर दूसरा बंदा बोलता है, फिर आप उसका जवाब देते हो, और इस तरह करके 101 चलता रहता है। तो डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होता है, डिस्कोर्स एनालिसिस असल में एक रिसर्च मेथड है, ठीक है, जो किसी भी रिटन या स्पोकन, मतलब जो बोला हुआ हो या लिखा हुआ हो किसी भी लैंग्वेज में, उस चंक को या उस पार्ट को स्टडी करते हैं हम, ठीक। और उसमें हम है ना उसकी लैंग्वेज को देखते हैं, हम उन वर्ड्स को देखते हैं, उनका मीनिंग देखते हैं, और जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात की गई है हम ये भी देखते हैं, ठीक। और इसका एम क्या होता है, इसका एम ये होता है कि हम लैंग्वेज को बेहतर तरीके से समझ सकें और लाइफ सिचुएशंस जो होती हैं ना उनको समझ सकें। इसके एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ कि अगर आपका कोई दोस्त कोई बात कर रहा है और उसने कहा कि है ना चले जाओ यहाँ से, ठीक है, आप क्या देखते हैं, आप चले जाएँगे वहाँ से, नहीं, आप पहले उसके डिस्कोर्स को, जो उसने बात की है उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज अब आप कैसे करेंगे, आप उसकी टोन देखेंगे, इसने प्यार से बोला है, गुस्से से बोला है, गुस्से से बोला है मतलब ये चिड़चिड़ा हुआ पड़ा है, ठीक है, फिर उसके अल्फाज क्या थे, चले जाओ यहाँ से, ठीक है, मतलब ये अभी गुस्से में है या अभी किसी चीज़ से डिस्टर्ब है। लेकिन अगर वो कहता कि नाजेबा अल्फाज जैसे इस्तेमाल करते, दफ़ा हो जाओ या इस तरह करके, तो उससे क्या होता है, आपको पता चलता है अच्छा ये किसी पर गुस्सा कर रहा है या ये मुझ पर गुस्सा है, ठीक है। आपको उसकी लैंग्वेज से, उसकी टोन से, फिर कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, या इससे पहले इसकी किसी से लड़ाई हुई थी या मेरी कोई बात इसको बुरी लगी थी, आप वो सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं और उसके बाद आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो डिस्कोर्स एनालिसिस में भी ऐसा ही होता है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, तो अब इसमें क्या होता है, कंडक्टिंग डिस्कोर्स एनालिसिस मीन्स आप एग्जामिन करते हैं लैंग्वेज फंक्शंस को, मीनिंग्स को, और वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में कैसे डिफर करती है, क्योंकि एक बात किसी एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में किसी और तरह हो सकती है और किसी दूसरे सोशल कॉन्टेक्स्ट में किसी और तरह हो सकती है, ठीक है। तो आप उसका पूरा बैकग्राउंड भी देखते हैं, अच्छा। और फिर हमारे पास क्या होती है, ये ओरल और रिटन दोनों में अप्लाई होती है, और साथ साथ नॉन वर्बल होता है जिसमें आप बोलते नहीं हैं, आपके जो बॉडी जेस्चर्स होते हैं, आपके आई कॉन्टेक्ट्स होते हैं, मतलब जिसमें आप अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करते, अपनी बॉडी लैंग्वेज या बाकी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी कम्युनिकेशन, टोन, जेस्टर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये सारी चीज़ें भी एनालाइज की जाती हैं। तो आपको पता चल गया कि डिस्कोर्स एनालिसिस होता क्या है। अब हम आते हैं कि एनालाइज, ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या एनालाइज करते हैं, किसी की हुई बात को या लिखी हुई बात को हम कैसे एनालाइज करते हैं, हम उसकी वोकैबुलरी देखते हैं, हम ग्रामर देखते हैं, हम स्ट्रक्चर देखते हैं, हम जॉनरा देखते हैं, हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके स्टडी करेंगे कि क्या क्या है। चलें जी, मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब हम ज़रा आते हैं मॉडल पे। मॉडल ये है कि जब आप डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं आपको एक प्रॉपर मॉडल की ज़रूरत होती है। इसकी मिसाल ऐसी ही है कि आपने केक बनाया है, और आप अगर जिस बर्तन में वो केक बना रहे हैं डायरेक्ट उसे ओवन में तो नहीं डाल सकते ना, बर्तन से निकाल के, नहीं, आपको कोई प्रॉपर सांचा चाहिए होता है, प्रॉपर मॉडल चाहिए होता है जिसमें फिट होके वो उस चीज़ का रुख ले ले सेम वैसे, और केक बेहतरीन तरीके से बन जाए। अब अगर आप डिस्कोर्स एनालिसिस रैंडमली करना शुरू कर दें, कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप रैंडमली करते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस तो आपके पास कोई फिक्स मॉडल नहीं होता, और आप फिर बेतहाशा चीज़ों को करते हैं, और एक प्रॉपर जैसा होता है ना एक रिसर्च उसे आप नहीं कह सकते, वो रैंडमली आपके अपने ओपिनियन होते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी के बारे में आपको पता होगा, तो आप फिर सब्जेक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, आप अपने ओपिनियंस देना शुरू कर देते हैं, जबकि जब आप कोई मॉडल अप्लाई करते हैं आपके पास फैक्ट्स, फिगर्स और एक पूरे एविडेंसेस के साथ आप चीज़ों को बयान करते हैं। तो डिस्कोर्स एनालिसिस में सबसे मशहूर और सबसे इजी जो मॉडल है वो है फेयरक्लॉफ का मॉडल। फेयरक्लॉफ का मॉडल क्या कहता है, किसी भी बंदे की स्पीच, डिस्कोर्स एनालिसिस हम मोस्टली जितने भी स्पीकर्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनकी
स्पीचेस या कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल है या कोई भी चीज़ है उसको लेकर, मतलब ऑथेंटिक चीज़ों को लेकर हम उनका एनालिसिस करते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है. तो फेयरक्लॉफ का मॉडल कहता है कि हम इन टेक्स्ट को या इन ओरल स्पीचेस को तीन लेवल पे स्टडी करते हैं. पहला लेवल है टेक्सुअल, जैसे टेक्सुअल एनालिसिस कहते हैं. दूसरे में है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, और जिसे हमें इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हैं या डिस्कोर्स प्रैक्टिस भी कह सकते हैं. और तीसरा लेवल होता है सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस. अब ये सारे क्या हैं हम आपको बताते हैं आगे, ठीक. ये हमारे पास आ गया. टेक्स्ट में क्या होता है? टेक्स्ट में ये होता है कि आप उस टेक्स्ट को देखते हैं, आप उसमें लफ्ज़ों को देखते हैं यार किस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं. ईदर दे आर होपफुल वर्ड्स, ईदर दे आर शोइंग द पैसिमिस्टिक ओपिनियन, और यू कुड से द पैसिमिस्टिक अप्रोच ऑफ द स्पीकर, या फिर ऑप्टिमिस्टिक है कि काफ़ी अच्छे खुशहाल लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं. उसके बाद इसकी एग्जांपल मैं आपको एक डिस्कोर्स एनालिसिस इस तरह दे सकती हूँ कि आप किसी शादी पे गए हैं और वहाँ पे आपसे रैंडमली दो आंटियाँ मिलने आई थी, ठीक. अब जब आप अपनी मम्मा के पास जाएंगे और मम्मा पूछेंगे भाई आंटियाँ क्या बात कर रही थी और क्या कह रही थी, तो आप उनको किस तरह बताते हैं कि मुझे वो आंटी अच्छी लगी क्योंकि उनके अल्फाज काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने मुझसे इस तरह बात की. मतलब आप डिस्क्राइब करेंगे, बेशक दोनों ने एक जैसी ही बात की हो आपसे, आप कहेंगे उस आंटी के जो अल्फाज थे वो काफ़ी होपफुल थे. जैसे आपका रिज़ल्ट आया, अब अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया, तो एक आंटी आपको होपफुल वर्ड्स देंगी कि बेटा कोई बात नहीं, मेहनत आपने की थी, आपको इंशाल्लाह उसका फल मिलेगा, और इस तरह करके मतलब काफ़ी होपफुल वर्ड्स थे. तो आप उसको जब डिस्क्राइब करेंगे अपनी मदर से, तो आप यही कहेंगे कि आंटी के जो वर्ड्स थे काफ़ी होपफुल थे, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थे. जबकि जो सेकेंड आंटी हैं उनके वर्ड्स काफ़ी पेसिमिस्टिक थे, उन्होंने कहा बस यही होता है कि जब बंदा ना पढ़े तो यही होता है उसके साथ, और मुझे पता है कि तुम ही नहीं पढ़ाई करती होगी वरना टीचर थोड़ी ना ऐसे है कि वो नंबर काट लें. इस तरह करके मतलब थोड़े से पेसिमिस्टिक वर्ड्स या इस तरह के ग्लूमी, कि आपका जो पहले से दिल जला हुआ था मज़ीद जल जाए, ठीक. तो मतलब जब आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो टेक्सचुअल लेवल पे आप वोकैबुलरी देखते हैं वर्ड्स की, आप ये देखते हैं प्रोनाउंस किस तरह के इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि स्पीचेस होती हैं, स्पीचेस में पता चलता है कि जो स्पीकर है वो किस तरह के प्रोनाउंस यूज़ कर रहे हैं. ईदर ही इज़ यूजिंग आई, आई, आई का मतलब होता है वो अपनी ही बात कर रहा है. जब वो वी, मोस्टली आपने देखा होगा जो लीडर्स होते हैं वो अपनी स्पीच में वी यूज़ करते हैं, हम, हमने ये किया, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे. हम का मतलब है मैं और आप, मतलब वो अपनी ऑडियंस का भरोसा जीत रहे होते हैं इस तरह के प्रोनाउंस यूज़ करके. वो ये नहीं कहते कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, कहते हम ये करेंगे, ठीक. सेकेंड लेवल हमारा होता है डिस्कोर्स प्रैक्टिस का. डिस्कोर्स प्रैक्टिस में हम ज़्यादातर सेंटेंसेस को देखते हैं, लैंग्वेज को देखते हैं, द वे द लैंग्वेज इज बाइंड, ठीक. और हर एक चीज़ को दूसरी चीज़ को डिफाइन करती है, ठीक है. अगर जो स्पीकर है उसने जो वर्ड्स यूज़ किए, जो सेंटेंसेस यूज़ किए हैं वो काफ़ी पोइटिक लैंग्वेज है, रिटोरिकल लैंग्वेज है, काफ़ी फ्लावरी लैंग्वेज उसने यूज़ किया, इसका मतलब है उसको आर्ट आती है बोलने की. आपने स्पीकर्स देखे होंगे, आपने लीडर्स देखे होंगे, जब आप उनकी स्पीच सुनते हैं आप दंग रह जाते हैं, और आप कभी कभी दिल में ये ख्वाहिश भी होती है यार हम तो ऐसा नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी पोइटिक, रिटोरिकल या मतलब होती है, जोश वलवले वाली होती है. हर स्पीकर का अपना एक वे ऑफ स्पीकिंग होता है, और चॉइस ऑफ वर्ड्स, चॉइस ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. तो ये सारे डिस्कोर्स प्रैक्टिस पे हम एनालाइज करते हैं. लास्ट में हमारे पास आते हैं सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस. सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि क्या कल्चरल था, क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या विजन था. मींस इसमें हम सारी चीज़ें, स्पीकर का विजन देखते हैं, उसकी आइडियोलॉजी देखते हैं कि उसने ये जब स्पीच दी है इसके पीछे उसकी क्या सोच थी, उसका क्या मकसद था, एम्स, पर्पसेस, विजन और कॉन्टेक्स्ट वगैरह. इसमें मोस्टली आपके पास एक मार्जिन होता है कि आप अपना एक ओपिनियन भी दे सकते हैं, लेकिन बाकी जो दो होते हैं टेक्सचुअल और डिस्कोर्स प्रैक्टिस जो होती है उसमें मोस्टली आपको यू हैव टू स्टिक टू द पॉइंट, ठीक. तो अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं. अब हम चलते हैं एक प्रॉपर एनालिसिस में. अब प्रॉपर एनालिसिस हमें मार्टिन लूथर की ये एक स्पीच है आई हैव अ ड्रीम,